बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी खान है, मेरे साथ असद खान। अच्छा, आज की जो लोकेशन है वो एक घर जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर जो रहते हैं, उन्होंने हमें बुलाया है जी कि आप आएँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि यहाँ पर क्या मामलात हैं। तो हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको साथ में डिटेल भी बताएंगे कि यहाँ पर उन्होंने हमें क्या मामलात बताए हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जी आज की जो लोकेशन है हमारी। अच्छा जी, स्टेयर्स हैं जी। जो भी मामलात उन्होंने बताए हैं असल भाई, वो यही बताए हैं कि जो भी मामलात हैं वो सेकंड फ्लोर पे हैं। उन्होंने बताया था कि नीचे है उनकी रहाइश जो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, वहाँ है उनकी रहाइश, लेकिन जो ये सेकंड फ्लोर है। उन्होंने बताया जो भी मामलात हैं वो यहाँ है सेकेंड फ्लोर पे। जो फैमिली यहाँ पर रहती है वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। तो वैसा तो पहले आप ये ओपन कर लें फिर। हाँ जी, कोई बात क्या। अच्छा, जो फैमिली यहाँ पर रह रही है उनका सामान पड़ा है इस कमरे में, ठीक है, तो देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया जी कि जो भी मामलात हैं वो यहाँ पर हैं, इस जो भी ये सेकंड फ्लोर है जी, यहाँ पर मामलात हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था कि एक रात वो यहाँ पर सोए हैं, ठीक है, तो उनके साथ बड़े ऐसे मामलात हुए हैं अजीब से कि चीज़ों की मूवमेंट की आवाज़ सुनाई दी है उनको, ठीक है। और उन्होंने बताया कि हम आउट ऑफ कंट्री थे जब हम पहले यहाँ स्टे करते थे, उस वक़्त ये मामलात नहीं थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आए हैं दोबारा तो ये मामलात हमें महसूस होते ही ना सर मेरा, ना जैसे कोई किस चीज़ ने पकड़ा नहीं होता, भारी बन सा फील महसूस हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही। जी आगे चले कहते हैं यहाँ से आ रहे हैं, और वैसे भी इस कमरे में थोड़ी गर्मी है, मौसम ठीक है लेकिन फिर भी जो है ना जी। बैग में बाद में डाल लेते हैं। वॉशरूम में स्मेल आ रही है, ये है जी रूम जी, इसको आप इसको भी ओपन करना पड़ेगा। कीज़ उन्होंने दी थी ये, ये
लग नहीं रही यार। चेक कर लें कोई इसमें। लग गई। देख सकते हैं वैसे ही मिट्टी हो चुकी है, मिट्टी मिट्टी। इसके साथ ये किया तो वैसे रहा जैसे काफी देर से बंद पड़ी, काफी देर से बंद, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं मिट्टी काफी है यहाँ पर, गद्दों को बाहर जो है काफी है यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? ये मैं कल में स्टोर रूम, यहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है जी, हाँ स्टोर रूम ही है। इसके ऊपर भी है पोर्शन? हाँ जी, इसके ऊपर भी उन्होंने बताया है जी। खैर चल वो भी देख लेते हैं। सामने बताऊँ एक ये कमरा मैंने बताया था, या इस कमरे में अभी कुछ मामला उन्होंने बताए हैं जी के हैं। नोट कीजिएगा, ज़्यादातर मामला उन्होंने नीचे वाले क्वेश्चन में बताए। नीचे वाले का ये था कि मैं ऊपर गया हूँ जाते ही अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई, बेचैनी सी। ऐसा ही हो तो अंदर काफ़ी हीट था शायद, वो इस वजह से काफ़ी हीट भी थी और अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। और काफ़ी दिनों से वो, महीनों से आप कह सकते हैं कि वो कमरा जो है वो बंद है, ये भी हो सकता है। चले आए फिर नीचे देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन। चले जी अब हम नीचे चलते हैं। काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है वो सरदई कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। शायद ये भी ना उन लोगों का वैन वगैरह ना हो, कोई हो सकता है वहाँ भी हो सकता है उनका। क्या किया जाए, उनसे बात कर लीजिए, क्या कहते हैं? बात करके देख ली, मेन तो कमरा यही था। मेन उन्होंने यही बताया कि जो भी मामला हैं वो इसी कमरे से हैं, इसी पोर्शन से हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने बताया कोई ऐसे मामला नहीं है, लेकिन ऊपर उन्होंने बताए हैं जो भी मामला बताए कि जो ऊपर है जो भी है मामला वो। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो एक बार सोएं, ठीक है, तो चीज़ों की मूवमेंट की
उनको आवाज़ सुनाई दी है, ऊपर चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दी है जैसे कि ऊपर चल रहा हो। लेकिन उन्होंने कहा जब हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। बाकी उन्होंने शेडोज़ वगैरह भी देखे हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि हमने साया भी देखा है। ठीक है, और बाकी उनसे बात करके देख लेते हैं शायद बिल्कुल कोई दे दें अपना इशारा, और कोई अपना इशारा। हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम आपसे मिलने आए हैं। अगर कोई मखलूक यहाँ मौजूद है तो बग़ैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकती है। हमें मालूम है कि आप यहाँ रहते हैं, बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं या कैमरे के सामने आ सकते हैं। अच्छा, काफ़ी देर हो गई है सर भाई अभी तक तो। ये बिल्ली कहाँ से आई है? बिल्ली थी ना? याद क्यों नहीं? जा क्यों नहीं? इसकी आंखें देखी। अच्छा, काफी देर हो गई है सर भाई अभी तक तो। ये बिल्ली कहाँ से आई है? बिल्ली थी ना? ले जा क्यों नहीं? जा क्यों नहीं? इसकी आंखें देखी। बेटी साहब ने बात की जब मैंने इशारा मांगा है ना उनसे, तो ये उसके बाद ही कुछ ऐसा मामला तो बिल्कुल एकदम से। और यार फिर आ गई ये तो। ऐसे आ जाना यार, आपने सुना होगा कि ये चीजें जो उन्होंने पाली वगैरह भी नहीं है। नहीं, बिल्ली को तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने आते ही पूछा था कोई जानवर वगैरह है, बोला हमारे घर में जानवर वगैरह नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो आवाज सुनाई थी चीज की, आपने अक्सर सुना होगा ये जो आवाज सुनाई थी चीज की, चलो फिर असल भाई क्या किया जाए, क्योंकि उस चीज ने जो है वो क्या है कि इतना हम कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ पर है वो मखलूक। ये तो ऐसे ही कोई आवाज ही आई थी, हम आवाज सुनकर तो नहीं कह सकते कि कोई चीज होगी। वीडियो की शक्ल में भी आ जाते बाजू का। बिल्कुल, तो जैसे आपने देखा बिल्ली किसी ना अजीब किस्म की थी, ऐसे घूर कर देख रही थी, बगाया भी तो। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल सही बात। क्या किया जाए, लोकेशन इतनी बड़ी नहीं तो फिर या तो फिर स्प्रेड हो जाते हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह अलग कर लें। अगर तब भी ना कुछ आया तो फिर तो उनका वहम ही हो सकता है, गलत फहमी होगी उनकी भी। लेकिन मुझे जो डाउट हुआ ना वो बिल्ली से हुआ, क्योंकि जब हम आए हमने नहीं देखा कि वो हमारे साथ कोई ऐसी कोई कोई जानवर हमारे साथ आया, कोई बिल्ली वगैरह हमारे साथ आई, लेकिन वो एकदम से इधर से क्या आई है। अच्छा, आपने ये नोट किया कि दरवाजे से नहीं निकली? दरवाजे से नहीं निकले, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से साइड से आई है, पता नहीं इस साइड से आई है वो। दरवाजे इधर तो मैं खड़ा था दरवाजे की तरफ, और वो दूसरी बात वो जा भी नहीं रही थी, आपने भगाया उसको।
लेकिन वो नहीं गई, वो यहीं पर बैठी रही है। तो ये भी बड़ी हैरान कन बात है। बिल्कुल, और था भी डोर लॉक उनके बगोल के, 6 माह से ये नहीं ओपन हुआ। हाँ बंद है, ठीक है। तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि अंदर पहले से होगी। पहले से होगी, क्योंकि वो डोर वगैरह जो है वो शायद उन्होंने एक दो बार ओपन की भी हो उस तरह, ठीक है। चलो खैर जो भी है देख ले, अगर लहदा लहदा इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हाँ फिर यही हाल है कि हम सेपरेट हो जाते हैं। चलो तो कर लेता हूँ, ठीक होगा, चले ठीक है शाही भाई, फिर मैं चलता हूँ उधर। हाँ ठीक है, चलो शहरी में बैठे हैं उधर, तो मैं इधर नाइट विजन लगा कर बैठता हूँ। ये अभी दरवाजा बंद हुआ है, अभी मैं इधर से ही आया तो दरवाजा खुला था। मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा है। बैठना तो पड़ेगा नाइट विजन लगा कर। बंद कैसे हो रहा है बार? अजीब सी स्मेल आ रही है। चलो जी हम नाइट विजन प्लेस करते हैं, देखते हैं। और मैं जो हूँ वो इधर नाइट विजन कैमरा में प्लेस कर दिया ताकि अगर कोई भी एक्टिविटी होगी इस कमरे में मेरे साथ होती है तो वो इस नाइट विजन कैमरा में जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। बिल्कुल अंधेरा है। इस कमरे में एंटर हुए थे तो उस वक्त हमारे साथ कोई भी ऐसा हम कह लें कि कोई भी हमने जानवर नहीं देखा था कि जो हमारे साथ जो है वो एंटर हुआ हो। लेकिन जब हम जब मैंने बोला कि आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं तो उसके आवाज़ आ रही है। बहरहाल जब मैंने उनको बोला कि जी आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं तो फौरन उसके फौरन तो नहीं, खैर उसके चंद ही कुछ ही सेकंड बाद जो है वो बिल्ली हमने देखी। वो हम कह लें कि सोच से बाला तर है कि वो कैसे यहाँ पर आ गई। और उसकी जो एंट्रेंस मेरे ख्याल में इस साइड से थी
इस साइड से थी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बड़ी हैरानकुन बात थी हमारे लिए कि वो कैसे आ सकती है अंदर रूम में। आवाज़ आ रही है। बहरहाल जब मैंने उनको बोला कि जी आप अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर सकते हैं, तो फौरन उसे उसके फौरन तो नहीं, खैर उसके चंद ही कुछ ही सेकंड बाद जो है वो बिल्ली हमने देखी, वो हम कह लें कि सोच से बाला दर है कि वो कैसे यहाँ पर आ गई। और उसकी जो एंट्रेंस थी मेरे ख्याल में इस साइड से भी जो है ना, वो आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई साथ हो आपके मुसलसल। आवाज़ें आ रही हैं बेबी। क्या आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या आप वही थे जो बिल्ली की शक्ल में हमें नजर आए? मुसलसल महसूस हो रहा है जैसे आपके साथ ना कोई हो, कोई मौजूद हो। ऐसे फील हुआ जैसे ना कोई पीछे से ऐसे गया हो मेरे। आवाज आ रही है, अभी आवाज ही आई है मुझे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो कहां से आई है। एकदम से जो शोल्डर्स हैं वो आपके भारी होना शुरू हो गए हैं। अजीब सी कैफियत हो रही है यार। काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी तक जो है ना कोई हैपनिंग्स जो है वो भी कहने के महसूस नहीं हुई। ऐसा फील हो रहा है जैसे इर्द गिर्द हो कोई आपके साथ, लेकिन बाहर आ ले काफी देर हो गई है। बाकी ये सब नहीं जी, हमने अब नाइट विजन रिप्लेस कर दिया है, तो हम देखते हैं। इधर का तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर उधर का मुझे लग रहा है जैसे फील हो रहा है। जब भाई ना उधर मिली तो उसके आने का अंदाज और उसके बैठने का अंदाज, पहला नंबर पर वो तो हमने रूम खुद खोला आकर, तो अंदर नहीं थी, तब दाखिल नहीं हुई उधर। तो जब हम बात कर रहे थे वो जब जैसे फील अकबर इधर का तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर उधर का मुझे लग रहा है जैसे फील हो रहा है। जब भाई ना उधर मिली तो उसके आने का अंदाज और उसके बैठने का अंदाज, पहले नंबर पर वो तो हमने रूम खुद खोला आकर, तो अंदर नहीं थी, तब दाखिल नहीं हुई उधर। तो जब हम बात कर रहे थे वो जब
जैसे फिर जो है ना वो आवाजें आ रही हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई साथ हो आपके मुसलसल। आवाजें आ रही हैं बेबी, क्या आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या आप वही थे जो बिल्ली की शक्ल में हमें नजर आए? मुसलसल महसूस हो रहा है जैसे आपके साथ ना कोई हो, कोई मौजूद हो। मुझे ना ऐसे फील हुआ जैसे ना कोई पीछे से ऐसे गया हो मेरे। आवाज आ रही है, अभी आवाज ही आई मुझे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो कहां से आई है। एकदम से जो शोल्डर्स हैं वो आपके भारी होना शुरू हो गए हैं, अजीब सी कैफियत हो रही है यार। काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी तक जो है ना कोई हैपनिंग्स जो है वो भी कहने की महसूस नहीं हुई। ऐसा फील हो रहा है जैसे इर्द गिर्द हो कोई आपके साथ, लेकिन तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए उनके पास, उनसे वो पूछते हैं कि शायद उनको कोई चीज़ जो है वो नजर आई हो या उन्हें कोई चीज़ महसूस हुई हो, तो चलते हैं। ये चीज़ एकदम आकर गिरी है इधर, इसी रूम के अंदर ही है सारी जो भी हैपनिंग हो रही है, इसी के अंदर ही हो रही है। अरे ये मैंने अभी देखा है, इधर ऊपर पड़ा था, ये वेपर पहले इधर ऊपर पड़ा था, अब नीचे गिरा है आकर। मैं तो सोच रहा है इस कमरे के अंदर ही हैपनिंग हो रही है, बाहर भी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शरीफ भाई, क्या भाई इधर आए, क्या इधर आए, क्या इधर आए, यार मैं ना इधर बैठा था सामने, इधर आ गया है, इधर आ जाए ध्यान से, यार मैं इस जगह पर सामने बैठा था, इधर आए, पहले तो ये गिरा कर, उसके बाद दरवाजे ने दो तीन दफा हरकत की है कि बंद हुआ कभी खुला है, रिकॉर्ड हुआ ना हुआ, बिल्कुल हुआ रिकॉर्ड, नाइट विजन मैंने रिप्लेस किया हुआ था। ये यहाँ पर ऐसा यहाँ पे कैसे गिर सकते हैं? ये आपके सामने गिरे? बिल्कुल ये मेरे सामने गिरे। ये यहाँ पर कैसे?
ये भी जब मैं भागने लगा ये गिरा है। ऐसा मुझे लगा जैसे कोई अंदर से कोई चीज निकल कर इस साइड पर गई हो। जब मैंने इधर कमरे की तरफ देखा है तो पीछे से ये गिरा है। तो जब मैं मेरी नजर इधर पड़ी है सामने कोई सफेद रंग की कोई चीज आई है तो मैंने देख कर उधर भाग गया। इस बात का तो कंफर्म पता चल गया कि वो चीज़ जो है वो मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि मैं उधर भी बैठा था ना, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था जैसे ना कोई साथ है मेरे, मेरे भागे बन शोल्डर से फील हो रहा था। उस चीज़ ने अपने जो है ना वो मौजूदगी बजाय नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे आपने बताया यहाँ पर अपनी जो मौजूदगी, पहले मैंने सोचा चलो ये ऐसे ही गिर गया होगा। तो जो पहले हम देख कर गए ना, तो इसे किसी चीज़ की सपोर्ट थी और ये तो प्रॉपर पड़ा था उधर, गिर नहीं सकता ऐसे। देख के भाई ध्यान से, यहाँ पर तो वैसे भी ना जो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा हम लोगों का सामान है वो पड़ा है, तो ऐसी जगहों पर तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन जगह है उनके मस्कन। बिल्कुल, लेकिन ना कोई भी काम हो चलो इंसान इधर आ जाएगा, इधर आ सकते हैं, इधर तो उनका नहीं काम होगा ना इतना, तो इसलिए मैं इधर बैठ रहा हूँ। इधर मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ, और जब भी मैं ऐसी बात कर रहा था वो जो उधर आई थी बिल्ली, हाँ उसके बारे में, तो अचानक ही आकर गिरा है। पहले दरवाजा बंद हुआ है उसके बाद ये हुआ है। लेकिन एक बात और आपको याद हो, उन्होंने ये भी बताया था कि साया वगैरह भी उन्होंने देखा है, व्हाइट शैडो। बिल्कुल ठीक है ना, जैसा आपने बताया कि आपको यहाँ पे कोई व्हाइट शैडो वगैरह नजर आया, तो वो सच्चे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी। लेकिन जब एकदम से जो बिल्ली आई जो मैंने बोला कि जी आप अपनी मौजूदगी जाहिर करें, ठीक है, तो वो बिल्ली आई है आपके सामने थी, वो नहीं जा रही थी, आपने उसको भगाया भी है वो फिर भी नहीं जा रही थी, ठीक है, और अब आपके साथ ये बिल्ली फिर वही थी यार। बिल्ली थी ये भाई बिल्ली नहीं है, ये वही चीज है। बिल्कुल, उधर भी तो फर्क हो गया यार हमारे साथ, हम इधर दरवाजे में ही खड़े हैं, अभी तो कोई चीज नहीं है इधर, कोई चीज नहीं है। अब जब मैं आपको लेकर आया हूँ, सबसे पहले हमने इसी कमरे के अंदर एंट्री की, जैसे कोई भाग के चीज ऊपर गई हो। बिल्कुल भाई, ये बाकी जो है ना, ये जो पोर्शन है जो एरिया है ना जी, ये बाकी जो है कह सकते हैं क्या हॉन्टेड है। बहरहाल असद भाई हमें बहुत सारी जो है वो निशानियाँ जो है वो मिल चुकी हैं। मेरे ख्याल में अब यहाँ पर जो है स्टे करना खतरे से, बिल्कुल यही कन्फर्म करना था हमने के यहाँ पर चीज़ों की मौजूदगी है या नहीं। बिल्कुल, उन चीज़ों ने खुद को जाहिर किया है यहाँ पर। बहुत हम बाकी जो है वो चेक कर लेते हैं एडिट पे जाके। सही है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी हम जो यहाँ के मालिक हैं उनको दिखा देंगे जी कि हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। सही हो गया। तो बहर जी मेरे साथ तो इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेट की, लेकिन आपने जैसे यहाँ पर बताया यार, मैं अंदर इंटर हुआ हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे ना कोई चीज अंदर मौजूद हो पहले से। अभी आपने देखा नहीं बिल्ली निकल कर आई यार? बिल्कुल यार, मैं मेरी बात सुने, चीज ने बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली, ऐसा ही हुआ है। जब मैं आपको लेकर आया हूँ इधर, सबसे पहले उसी कमरे में गए ना, उधर कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, ये कदम भी निकली इधर से। मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा इधर आई, मुझे आवाज एकदम से वो चीज जो है
बाहर आज उस चीज़ ने खुद को दिखाया है, खुद को कैमरे के सामने उसने लेकर आई है। ठीक है, जो भी लोग थे वो मिलते हैं, बाइंड अप करते हैं। चलो, अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने मुकम्मल कर ली है यहाँ पर। जब हम स्टार्ट में आए थे उस वक़्त तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था, कुछ फील नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर वक़्त गुजारा, वक़्त के साथ हमें उन चीज़ों ने अपनी वजूदगी को जो है ना वो ज़ाहिर किया कि यहाँ पर वो हैं, ठीक है। बहरहाल बार बार मैं फिर भी यही बात कर रहा हूँ कि ये सारी एक्टिविटी तभी स्टार्ट हुई जब बिल्ली आई है। बिल्ली आई है, पहले कुछ नहीं था ऐसा। पहले कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि जब हमने स्टार्ट लिया है ना जी, हमने रूम का लॉक जो है वो ओपन किया, हम अंदर गए हैं, ठीक है। उस वक्त हमारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप ख़ुद को ज़ाहिर कर सकते हैं कैमरे के सामने बगैर नुकसान पहुँचे, तो आपके सामने बिल्ली जो है वो बेड के नीचे से आई है। एक तो इंसान कहता है ना कि वो बिल्ली हमारे साथ आई है, ये हमने आते उसे देखा है, महसूस हो ही जाता है, लेकिन वो एकदम से जो है वो निकली है बेड के नीचे से, ठीक है। ये बड़ी हैरान कुन बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बताया था कि जो लॉक है वो हमने कई दिनों से ओपन नहीं किया, ठीक है। तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात है, कई माह से उन्होंने कहा माह से, ठीक है ना जी। तो ये हुआ, उसके बाद जो असद भाई के साथ हुआ, ठीक है, वो आप लोगों ने देख चुके होंगे कि उनके साथ क्या हुआ। जो जैसा कि असद भाई ने बताया कि उन्होंने वाइट शेडो भी देखा, मेरे अभी तक पसीने आ रहे हैं, देखें सर। मैं आपका फेस मैं देख रहा था, काफ़ी असद भाई घबराए हुए थे उस वक्त, और होता है ऐसा कि जब अकेला बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो उसके साथ ऐसी हैपनिंग्स हो जाती है। जितना मर्जी बंदा दलेर हो ना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि बंदे, कोई लोग कहते हैं हमें डर नहीं लगता, सही बात, झूठ बोलते होंगे। जितना मर्जी बंदा दलेर है, जब ये चीज़ कोई ना कोई हरकत करती है, बंदा अपने आप ही ना बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है ठीक है। जब मैं अकेला इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई हो, ठीक है, मुझे मुसलसल फील हो रहा था। बहरहाल जी, हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन की, जो भी हमने सबूत जो है वो इकट्ठे किए वो आप दोस्त देख चुके होंगे। तो अगर आप दोस्तों का हमारा जी प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।